शहर के विकास के दावे करने वाला नगर परिषद पूर्व में किए गए विकास कार्यों को शायद भूल गया है। बाड़मेर के एकमात्र महावीर पार्क के हाल अब दिन ब दिन बदहाल होते जा रहे हैं। दो पल सुकून के लिए पार्क में आने वाले राहगीरों को यहां सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। बच्चों के इस पार्क में खेलने और झूला झूलने के दिन तो कब के हवा हवाई हो गए। किसी जमाने में हरितिमा की चादर ओढ़े रखने वाला महावीर पार्क आज वीरान सा हो गया है। बाड़मेर जिला मुख्यालय का एकमात्र भगवान महावीर पार्क नगर परिषद के उदासीन रवैये की वजह से इन दिनों काफी बदहाल है। नियमित साफ सफाई नहीं होने के अभाव में पार्क में जगह जगह कचरा फैला नजर आ रहा है और पार्क में स्थापित चार शौचालयों के हाल भी बेहद खस्ता है। इसके अलावा पार्क के सौंदर्यकरण के लिए पार्क में लगाए गए फव्वारे, लाइटिंग, टॉय ट्रेन सब बंद पड़े हैं। पार्क में किनारों पर फैले कचरे से पार्क की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। इसके अलावा देखरेख के अभाव में पार्क की घास दिनों दिन सूखती जा रही है। यहाँ तक कि यहाँ आने वाले लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। हालांकि पार्क में दो प्याऊ स्थापित हैं, लेकिन वाटर कूलर और पानी की मोटर खराब होने के चलते आगंतुकों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। यहाँ पीने के पानी के लिए लगाई गई मटकियां भी काफी पुरानी हो गई हैं। पार्क में आने वाले लोगों का कहना है कि जिला कलेक्ट्रेट पास होने के कारण पार्क में विभिन्न गाँवों के ग्रामीणों का भी आना जाना रहता है, लेकिन ना यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था है और ना ही पीने का पानी। स्वच्छ वातावरण और यहाँ विश्राम करने आने वाले आगंतुकों का कहना है कि नगर परिषद को पार्क की व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए। सर, मैं आपको बताऊं तो हम बचपन से यहीं से आते हैं, घूमने आते हैं, करते हैं, तो लेकिन जैसे पहले माहौल था ना वैसा आजकल यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरी तरीके से घास भी सही से नहीं बनी हुई है, और जो पहले घास जैसी होती थी ना उसमें रहने में करने में आनंद भी आता था, लेकिन अभी असुविधा के कारण लोगों को भी असुविधा हो रही है। जो बाहर से पंचायत के लिए या कुछ भी काम के लिए गाँव वाले आते हैं तो वो ज़्यादातर यहाँ पर ठहरने के लिए इसी जगह को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह अभी थोड़ी असुविधा कम हो रही है। पानी की सुविधा है, और जब नाइट में आते तो फव्वारे वगैरह पहले होते तो अच्छा लगता, लेकिन आजकल क्या है, फव्वारे वगैरह भी सर बंद पड़े हैं। और लाइट, जब लाइट की बात करूँ तो सर नाइट के अंदर यहाँ पे अब पूरी जगह लाइट भी नहीं होती है। कुछ कुछ जगह भी मैं देखता हूँ लाइट होती है, ठीक है ना। अभी तो अपन दिन में नहीं, तो नाइट में होते तो मैं आपको बता सकता था कितनी जगहों पर लाइट बंद है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में तत्कालीन जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने पार्क के सौंदर्यकरण की पहल करते हुए सेल्फी पॉइंट, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन, ओपन जिम स्थापित करने के साथ काफी सालों से बंद पड़े फव्वारों और लाइटिंग को दुरुस्त भी करवाया था, लेकिन देखरेख के अभाव में शहर का एकमात्र पार्क अब फिर से बदहाल नजर आ रहा है और नगर परिषद की नजरें तक इस पार्क पर इनायत नहीं हो रही।